जावेद भाई क्या फील हो रहे हैं? बहुत बुरा। कैसा फील हो रहा है? किसको, घोड़े को या आपको? बहुत अभी मैं बैठा हूँ ना, तो घोड़े को भी अच्छा फील हो रहा है। आपको क्या फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। घोड़े को भी? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मैं हूँ इजारुल हक मसूदी। इस वक्त वापस आ रहा हूँ मैं जासबांडा से, और जा रहे हैं हम टकी टॉप, और फिर इससे बाद नीचे हम गाड़ी के ज़रिए जाएंगे थल। तो कल पूरा दिन हमारा पहले तो ट्रैकिंग रही, हम कुमराट से सीधा थल आए, थल से फिर एक ऊपर एक जगह थी वहाँ गाड़ियाँ रुकी, फिर जासबांडा तक हमने ट्रैकिंग की 2 घंटे की, फिर वहाँ से जासबांडा थोड़ा रिफ्रेश होके, और फिर वहाँ से हमने सफ़र जारी किया अपना कटोरा लेक की जानब। तो तकरीबन 4 घंटे की ट्रैकिंग वो थी। फिर रात को हमने टाइम से सो गए थे, फिर सुबह 5 बजे उठे आज, तो वह नमाज़ पढ़ के वापसी पे हम आ गए। चलेंगे बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो आप 2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे में आप आराम से आ सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रैक है, कवर है, सारा ग्रीन है, तो आप पे आ पाएंगे तो फिर ये देखें जन्नत। मैं उबैद अंसारी और मैं हूँ इस वक्त क्या कहते हैं जासबांडा में, और अभी हम लोग यहाँ पे कोई 3 घंटे की हाइकिंग करके यहाँ पहुँचे, और ये मेरे सामने जो होटल है सामने इसके, ये रजा भाई हैं, रजा भाई के सामने एक होटल है, इसमें अभी ब्लास्टिंग होने जा रही है, इधर माइंस बिछाए हैं और पत्थर तोड़ने के लिए, तो ये भी आप ज़रूर लाइव देखेंगे। यस, आसिम गुजर ऐसा लग रहा है कि पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, इसके ऊपर पबजी खेल रहा, हमला होने वाला है, लाइव पबजी गेम। मेरा ये हो ही नहीं रहा ना, हुई यो लगो मर तो गोल आ रहा है, नहीं होगी, चल मर। अच्छा जी, इनको माचिस का मसला है, माचिस नहीं मिल रही है, पूरे जास बंडा में माचिसों का शॉर्टफॉल आ चुका है, खत्म हो चुका है पूरा जास बंडा में माचिस, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरे माइंस बिछी हुई है, और ये अभी इनको डुस डुस होगा, और इनको माचिस की शॉर्टफॉल हो गई है सिर्फ। आपके क्या कटोरे के बारे में क्या इंकशाफ हुए? मेरा इंकशाफ ये, मैं नहीं जाऊंगा कटोरा, मैं नहीं जाऊंगा कटोरा। कौन इंकशाफ ये कि मैं नहीं जाऊंगा कटोरा? क्यों? बस क्यों भाई, 4 जो छोटा कटोरा है उधर तक घोड़ा जाएगा, हाँ, उसके बाद हम जाएंगे, हाँ, 1 घंटे की हाइकिंग आगे बड़े कटोरे की, हाँ, 4 टोटल 4 घंटे लगेंगे। बंदा वही है ना, वो खुद चल नहीं सकता, उसको हमें भी लोगों ने 4 घंटे यहाँ कहा था, हमने तो 2 घंटे में आए, 2 घंटे में आप 9 बजे चलना शुरू है वहाँ से, और भाई नीचे से हम आधा घंटा तो एक जगह रुके, आधा घंटा हमने उधर 9:30-10 बजे हम दोबारा चले तुम्हारा इंतजार करके टकी शॉप, हम आधा घंटा रुके हैं टकी शॉप पे, पूरा आधा घंटा। इस बंदे ने को हमने तुम्हारा तस्वीरें दिखाई थी ना तुम्हारी, तीन बंदे पीछे रह गए, मुझसे पूछना था कि हम वहाँ कितने, वो तो उसने मुझे बताया कि अभी निकले हैं, तो हम आधा घंटा पूरा रुके, टकी शॉप से हम लोग कितने बजे निकले? टकी टॉप है, हम 5 मिनट बाद टकी टॉप है, वो शॉप नहीं है, हम वहाँ से पूरे 10 बजे चले थे, मतलब 12 बजे पहुँच गए, तो 2 घंटे में हमारे और 1 घंटे से नीचे हम लोग ऊपर आए, हम लोग तो हाँ, हम उधर से आधे घंटे में आए थे, तो 3 घंटे घंटे में आता कहे, तुम लोग 2.5 घंटे में आओ। ये जी कटोरा लेक की तरफ हाइक स्टार्ट है, इजहार भाई हमें गाइड कर रहे हैं अपने छाते के साथ। तो ये पहला कटोरा ये इसके पास ही है, तो इसके जो आगे थोड़ा दूसरा कटोरा इसके आगे है, तो ये आप शा रहे हैं असली कटोरा, जगह जगह आप शा रहे हैं, पानी बहुत साफ, ग्रीनरी है, ये वाला पानी कटोरे से ही आ रहा है, तो इसका ट्रैक बहुत खूबसूरत है, आज तो मौसम भी हमारी फेवर में है, अच्छा मौसम है, बादल हुए हैं, तो इसलिए फ़िलहाल हमें कोई परेशानी नहीं है,
आप लोग भी जब आएँ तो मौसम हालात देख के आएँ। लोग मिस गाइड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करते हैं कि हाइक ज़्यादा ऐसे ऐसे है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एक मुनासब है। आप हल्की स्पीड से भी चलें पर प्रॉपर चलें तो आप वो जल्दी कवर कर सकते हैं सब कुछ। ये पानी आ रहा है साथ साथ, खूबसूरत जगह है बिल्कुल फेरी मेडो। लेक जाते हुए बीच में इस तरह के रास्ते भी आते हैं पत्थरों वाले, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप बहुत एहतियात हैं, और अगर आप आपको पहाड़ी इलाकों में चलने का या इस तरह के ट्रेन पे चलने का आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं तो किसी न किसी आप गाइड की मावनत ज़रूर लें। कैसे हैं जी साहब? वो सामने जो आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल नीचे जो है कटोरा लेक है, थोड़ा सा हम दूर हैं, तकरीबन 5-7 मिनट का फासला रह गया। ये उससे पहले आबशार उसी में से ही पानी आ रहा है, चश्मे से हैं आबशारे गहले, तो यही वाला पानी नीचे जो है वो छोटे प्याले में जाता है। तो अच्छा खूबसूरत व्यू है बड़ा, बाकी ऊपर चल के देखते हैं कैसा है। ये फाइनल है जी चढ़ाई इसकी, ये लोग आ रहे हैं, काफ़ी मुश्किल है। ये इस साइड से पानी नीचे आ रहा है लेक से, और ये नीचे वैली की तरफ जा रहा है आस्ता आस्ता। वैली बहुत ही खूबसूरत है, बस ये फाइनल स्टेप रह गया, इसके बाद मैं आपको फाइनल व्यू दिखाता हूँ लेक का, पर ये चढ़ाई जो है कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इज़हारुल हक मसूदी वंस अगेन। राइट नाउ आई एम एट मैजेस्टिक मिसमराइजिंग लेक कटोरा लेक, दिस इज सिचुएटेड इन अपर तीर, एंड राइट नाउ आई एम विद माई फ्रेंड्स रज़ा खान एंड द ग्रेट गुजर आसम गुजर। इनफैक्ट आज हम आए तकरीबन 2 घंटे की जहाज़ बांडा से यहाँ ट्रैकिंग की है, बहुत अच्छा वेदर है, ठंड भी अब हो रही है लेकिन बहुत अच्छा हमने इसको ट्रैकिंग की है और इस लेक को हमने एक्सप्लोर किया है, और वेरी फर्स्ट टाइम विद माय दीज गाइस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आउटस्टैंडिंग वेदर एंड ब्यूटी इज़ माइंड ब्लोइंग। आपको एक सजेशन है कि आप ही आएँ इतनी खूबसूरत लेक को एक्सप्लोर करें, बट कीप इन माइंड कि आप आते हुए अपने साथ गारबेज, अपना जितना कूड़ा क्रिकेट है वो अपने बैग्स में साथ लेके जाएं, यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट ना फेंकें। अभी तक इस झील की खूबसूरती इसलिए बची है कि 4 घंटे की आपको ज़बरदस्त किस्म की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो इस ट्रैकिंग के नतीजे में आप यहाँ लोग कम आते हैं और गंदगी नहीं करते, लिहाजा अभी हम चाहते हैं कि हुकूमत इसको अच्छी रोड्स भी बनाए, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप इस झील को खूबसूरत बनाने के लिए, इसके खूबसूरती को कायम दायम रखने के लिए गारबेज और जितना भी कूड़ा क्रिकेट है वो हम अपने साथ लेके जाएं। तो यही कुछ था आपके लिए आज के इस खूबसूरत एपिसोड में, इंशाल्लाह आगे मिलते रहेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं तो अभी बैठूंगा, 12 बजे तक तो मुझे तो नींद नहीं आती। अच्छी बात है, तो बाहर राखी करी ना इसी जाके पहनने हैं भी, इसी तो कर लेने बथेरियाँ काफे खरगोश थे मसले। कैसा आ रहा है अभी तुम कम वो दिखाता है वो वाला, वो इसके मोबाइल में जो रात का बना, हाँ इसको देखना था।